करोड़ों फैन है जिस बंदे के, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में उसके इतने फैंस हैं, तो कैसे ले सकते हो यार तुम रिटायरमेंट? मैं कहता हूँ इस बंदे को, अगर इस बंदे को व्हीलचेयर पे भी बैठ के क्रिकेट खेलनी पड़े ना, वो जिस तरह आपने देखा होगा व्हीलचेयर पे लोग आते हैं, इस तरह वो क्रिकेट एक गेम है क्रिकेट की, वैसे भी अगर खेलना पड़े ना, मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो LCD के सामने बैठ के मैच देखूंगा। क्रिकेट की दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बनाए हैं, सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड कायम किया विराट कोहली ने किया, तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? विराट कोहली ने तोड़ा है। सेंचुरीज का रिकॉर्ड किसके पास है? विराट कोहली के पास है। इवन तो 50s का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास। इंडिया की क्रिकेट की जितनी भी हिस्ट्री है, सबसे बड़ा जो नाम हुआ है वो विराट कोहली का हुआ। विराट कोहली IPL की रो भी पड़ता हूँ कभी कभी, कभी कभी क्या बहुत बार मैं रोया हूँ विराट के आउट होने पे, मतलब इतना बड़ा मैं फैन हूँ विराट कोहली का। मेरे लिए ये बात एक मुझे लगता है कि बड़ी ज्यादा इमोशनल बात है, क्योंकि सर विराट कोहली ने ये बता दिया है कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, रोहित शर्मा ने ये बता दिया है कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट का दूसरा नाम विराट कोहली है। दोस्तों विराट कोहली रिटायर्ड होने जा रहा है, विराट कोहली ने कहा है कि मैं रिटायरमेंट के बारे में तैयारी कर रहा हूं, मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूं। अब आप ही सोचिए, जब विराट और रोहित रिटायर्ड होंगे, उनका इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया टीम में आखिरी दिन होगा, तो क्या होगा, आपके दिल पर क्या गुजरेगा, जरा सोच के देखें। आप और हम खुश नसीब हैं कि हमारे जमाने में ये डिविलियर, ये विराट, ये रोहित जैसे खिलाड़ियों ने रन्स के अंबार लगाए हैं, और हमने जो है कि आपने आंखों से देखे हैं। यार इंडियंस रो रहे हैं, पाकिस्तानी रो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स रो रहे हैं नीचे कि यार विराट कोहली को नहीं चलना चाहिए, दुनिया का कोई प्लेयर आके चला जाए, क्रिकेट खत्म हो जाए, विराट कोहली वहां। ये उम्र भर की मुसाफत है दिल बड़ा रखना। अच्छा, ये उम्र भर की मुसाफत है दिल बड़ा रखना कि लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे रास्ते। कोहली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता यार, उसकी शॉट्स, उसकी जो परफेक्शन है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका जो खेलने का तरीका है, कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। 100 साल तक भी नहीं आएगा। नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कोहली है। जिस बंदे की वजह से क्रिकेट जो है ना वो ओलंपिक में गई है यार, वो बंदा क्रिकेट है तो कोहली है, और कोहली है तो क्रिकेट है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो कभी भी छोड़ सकता वो। पाकिस्तान के कोच बन जाओ, पाकिस्तान के पास अच्छा कोच नहीं है। पाकिस्तान, हम बाबर और विराट को एक क्रीज पे तो नहीं देख सके, चलो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बैठा देख लें कि विराट कोचिंग दे रहा है बाबर को, हमें कबूल है। उसके जाने से एक फायदा होगा कि पाकिस्तान जीत सकता है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में पाकिस्तान जीत जाता है, इसके अलावा तो कोई यार। कोहली के होते हुए पाकिस्तान नहीं जीत सकता। नहीं, उसके होते हुए नहीं जीत सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर विराट कोहली ने एक पॉडकास्ट में बोला है कि भाई मैं कोई रिग्रेट नहीं छोड़ूंगा रिटायरमेंट से पहले, अपनी सारी लाइक अपना 100% देके जाऊंगा, जब जाऊंगा कुछ सालों तक आपको नजर भी नहीं आऊंगा। विराट कोहली की 80 सेंचुरियां, विराट कोहली के जो है के 26,000-28,000 से ज्यादा रन, फिर विराट कोहली के अकेले अपने दम पर मैच जितवाना, रोहित शर्मा की 300 डबल 100, मैंने तो तीनों लाइव देखी हैं, आपने भी लाइव देखी होंगी। तो जब ये जमाना, ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीत जाएगा, जैसे हम डॉन ब्रैडमैन के बारे में सुनते हैं कि यार क्या खिलाड़ी था, लेकिन हमने उसको देखा नहीं था खेलते हुए, जिन्होंने देखा था वो भी बेचारे जो है कि इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, और उसके अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो ये वक्त भी आएगा जो अगली जनरेशन आएगी, और वो डिविलियर, वो विराट कोहली, वो रोहित शर्मा, वो शाहिद आफरीदी, वो यूनुस खान, वो सचिन तेंदुलकर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड खोल के देखेंगे, संगाकारा, रिकी पोंटिंग, तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और सोचेंगी कि हमारे जमाने में ऐसे खिलाड़ी क्यों नहीं। क्योंकि ये वक्त जो चल रहा है ना, अभी विराट कोहली की 80 सेंचुरी बन गई, सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरी बन गई, ठीक है, आने वाले टाइम में कोई 50 सेंचुरी भी वनडे क्रिकेट में नहीं लगा सकेगा, कोई 30 सेंचुरियां भी नहीं लगा सकेगा। उसकी वजह यह है कि लीग क्रिकेट का सैलाब जो चल रहा है ना इस वक्त, आपको पता है, आप जाके सर्च करके देख लो, 2011 और 2015 के वर्ल्ड कप के बीच में जितने भी 5 साल हुए थे ना, इंडिया और पाकिस्तान ने तकरीबन 100-100 वनडे मैच खेले थे, 100-100 वनडे मैच खेले थे। फिर 2015 से 2019 के वनडे वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान ने 80-90 मैच खेले थे, इंडिया ने तकरीबन 110-120 वनडे मैच खेले थे। फिर 2019 से 2023 के वनडे वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान ने खेले थे 36-37 T20 मैच और T20 वनडे मैच, और इंडिया ने कोई 40-42 वनडे मैच खेले थे। इतने कम वनडे मैच अब हो गए हैं कि कोई 30-100 भी नहीं लगा सकेगा वनडे क्रिकेट में आने वाले 10 सालों के बाद। T20 क्रिकेट का सैलाब जो आ चुका है, अब रोहित और विराट कोहली, ये दोनों T20 वर्ल्ड कप जो ये 24 आ रहा है, इसमें इंडिया की टीम अगर फाइनल जीत जाती है या फाइनल हार जाती है या सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है, तो वो जो इंडिया का आखिरी मैच होगा ना 2024 के T20 वर्ल्ड कप का,
वो विराट और रोहित का भी आखिरी T20 वर्ल्ड कप का मैच होगा, इंटरनेशनल का, कैरियर का, दोनों का आखिरी होगा। और उसके बाद आपको ये T20 क्रिकेट में कभी नजर नहीं आएंगे इंडिया की टीम की तरफ से खेलते हुए। फिर ये IPL में आपको नजर आ सकते हैं, वो भी आने वाले 2-3 साल के बाद। ये भी नहीं होगा जैसे हम अभी MS धोनी को कभी कभार देखते हैं, भाई धोनी की बात अलग है, जितना IPL धोनी खेल रहा है ना 42 साल की उम्र में, रोहित विराट तो 42 साल की उम्र में खेल लेगा लेकिन रोहित नहीं खेल पाएगा। रोहित की पिछली 2 सीजन लगा लो, ये वाली सीजन लगा लो, रोहित डिम चल रहा है, अगली 2 सीजन भी रोहित मुश्किल खेलेगा। 2022 का T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा सेमीफाइनल के बाद जो है कि इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, और फिर विराट और रोहित जो है कि 2022 से लेकर T20 वर्ल्ड कप से लेकर 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक इन्होंने सिर्फ 3 T20 मैच खेले और वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। 3 रोहित ने खेले हैं, 2 विराट कोहली ने खेले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। T20 क्रिकेट से इतना इनको BCCI ने दूर रख दिया था, तो इनका T20 वर्ल्ड कप का जो आखिरी मैच होगा इंडिया का, वो विराट और रोहित का भी करियर का आखिरी होगा। फिर वनडे और टेस्ट में होंगे ये दोनों खिलाड़ी। मुझे पता है BCCI जो है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, विराट कोहली को ये वनडे क्रिकेट में सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे वनडे वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने 2 वनडे सीरीज, पता नहीं 1 वनडे सीरीज खेली है जिसमें विराट कोहली नहीं है, और जो है कि पिछले 2 साल उठा के देख लो विराट कोहली बड़ी बड़ी वनडे सीरीजों से बाहर था। श्रीलंका के दौरे पे इंडिया गई, विराट कोहली नहीं था। साउथ अफ्रीका के दौरे पे इंडिया गई, विराट कोहली नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की और टीमें आई थी इंडिया में खेलने वनडे क्रिकेट, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों नहीं थे। रोहित शर्मा अमेरिका से था लेकिन विराट कोहली नहीं था। तो अब यही हम सोच रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद जो 1-2 सीरीज वनडे की विराट कोहली को खिलाएंगे, रोहित शर्मा को खिलाएंगे, ये BCCI खेल है, बाकी इनको जो है कि वनडे क्रिकेट से भी बाहर कर दिया जाएगा और मजबूरन ये रिटायरमेंट लेंगे। अब 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में ये रोहित विराट ये नजर नहीं आएंगे आपको, ये आप सोच। तो जनाब विराट कोहली की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें विराट कोहली ये कह रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान का टूर सारी टीमें कर रही हैं और होपफुली आने वाले टाइम में बहुत जल्द हमारी टीम भी जो है पाकिस्तान का टूर करेगी और हम भी आपको पाकिस्तान में खेलते हुए नजर आएंगे। अब ये सारा मुहाजरा क्या है भाई साहब, असल में हुआ ही है कि पाकिस्तान का एक माउंटेनियर है भाई पहाड़ चढ़ने वाले, वो उसके साथ जो है विराट कोहली की वीडियो कॉल पे बात होती है और शायद कहा ये जा रहा है कि ये इंडियन टीम के फिजियो हैं जो बात करवा रहे हैं विराट कोहली की उस जो माउंटेनियर के साथ, ठीक है। और उसमें जो है वो विराट कोहली उसे ये कह रहे हैं भाई कि पाकिस्तान में अब जो बाकी सारी टीमें जा रही हैं, होपफुली आने वाले टाइम में हम भी जो है पाकिस्तान का टूर करेंगे। यानी कि ये बहुत अच्छी और विराट कोहली की जानिब से शायद बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि इस स्टेटमेंट से ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान में आने में कोई मसला नहीं है और वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते थे कि इंडिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो नहीं मान रहे भाई पाकिस्तान आने के लिए, खास करके विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन विराट कोहली की भी स्टेटमेंट आ चुकी है और इससे पहले रोहित शर्मा की भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें रोहित शर्मा ने ये बोला भाई कि जो है वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने में हमें कोई मसला नहीं है, अगर हमारी जो सरकार है, हमारी जो हुकूमत है वो हमें परमिशन देती है तो हम जो है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। अब अगर देखा जाए तो ये बात तो सच हो चुकी है कि BCCI वाले जो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत की जानब से इजाज़त नहीं है, भाई हुकूमत हमें परमिशन देगी तो हम जो है वो पाकिस्तान के में जाके चैम्पियन ट्रॉफी खेल लेंगे। ज़ाहिर है क्योंकि खिलाड़ी भी चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ खेलने में उन्हें कोई मसला नहीं है। विराट कोहली ऐसे ही तो नहीं कहते ये बात कि बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में जा रही हैं, होपफुली आने वाले टाइम में हम भी करेंगे पाकिस्तान का टूर। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चैम्पियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम का पाकिस्तान में आने के चांसेस कुछ 10% ही आप बोले ना, लेकिन मौजूद हैं। जहाँ पर विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी ये स्टेटमेंट दे रहा है भाई कि हमें जो है वो पाकिस्तान आने में कोई मसला नहीं है, बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में जाके खेल रही हैं। अब ये एक उम्मीद की किरण आप इसको समझ सकते हैं। मैं नहीं बड़ी बड़ी बातें करता, जैसे पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स आगे जाओ बोल रहे हो जी विराट कोहली ने बोल लिया अब तो बस इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विराट कोहली ने अपना पर्सनल, उनकी जो पर्सनल राय थी या उनकी जो पर्सनल सोच थी वो विराट कोहली ने बताई है भाई, बाकी रोहित शर्मा ने भी अपनी बताई हुई है, लेकिन फैसला जो होगा भाई वो तो BCCI भी नहीं बल्कि इंडिया की जो हुकूमत है, मोदी सरकार, उन्होंने ये फैसला करना है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। अब इंडिया की हुकूमत में से कोई बंदा आके इस तरह की स्टेटमेंट दे दे तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ी उम्मीद जाग गई है कि पाकिस्तान में इंडिया की टीम आएगी, लेकिन खिलाड़ी तो अक्सर ये कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है,
पाकिस्तानी खिलाड़ी भी कहते हैं हमें इंडिया में जाने से कोई मसला नहीं है, और कई इंडियन खिलाड़ियों के स्टेटमेंट्स भी हमने सुनी है कि उन्होंने यही कहा कि हमें जो है पाकिस्तान में जाने से कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला जो है वो कहाँ से आ रहा है वो आपको मालूम है कि हुकूमत इंडिया की परमिशन देगी तभी इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेलेगी। लेकिन हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, विराट कोहली की जो वीडियो वायरल हुई है ना, ये सुन के अच्छा लगा है यार, और देख के अच्छा लगा है एज अ विराट कोहली फ़ैन या एज अ क्रिकेट फ़ैन। हमें ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि विराट कोहली जो इस तरह की सोच रखते हैं भाई, और आने वाले टाइम में दुआई कर सकते हैं यार। और मेरी ये दुआ है कि इंडिया की टीम को हम जो है पाकिस्तान में खेलते हुए देखें, और विराट कोहली पाकिस्तान के मैदानों में हमारे सामने खेलते हुए देखें, और विराट कोहली के एक एक शॉट को हम जो है इंजॉय करें पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के सामने विराट कोहली के। ये एज अ क्रिकेट फैन हमारी जो है वो विश है यार। बाकी अब विराट कोहली ने ये स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि जब तक BCCI या इंडिया की हुकूमत कोई फैसला नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी खिलाड़ी कैसी भी स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। कि एक भी ट्रॉफी नहीं जीते हुए, वो इस साल ट्रॉफी भी जीते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मैचेस, लाइक 5 मैचेस हारने के बाद एक मैच जीता, फिर लगातार उन्होंने 6 मैचेस जीते हैं, लाइक IPL की ट्रॉफी विराट कोहली जीते हुए नज़र आ रहे हैं, और T20 वर्ल्ड कप के बाद मुझे लग रहा है जहाँ तक वो T20 को खैरबाद कह देंगे और चैंपियन ट्रॉफी के बाद क्रिकेट को खैरबाद कह देंगे। यार देखो हमारे हम ये फैंस के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं कहता हूँ ऐसी इन्वेंशन न्यू शॉट्स की, और ऐसा प्लेयर ऐसा एथलीट क्या रोनाल्डो को दुनिया फुटबॉलर के अलावा क्रिकेट में कोई देखता नहीं था। किसी बंदे के आप 200 मिलियन प्लस वो फॉलोअर्स दिखा दें इंस्टाग्राम पे, किसी आफ्टर फुटबॉलर, हमेशा हमने फुटबॉलर को ही इतना फेमस देखा हुआ है, रोनाल्डो को, मेसी को, एम्बापा को, इसी तरह। लेकिन कोहली क्या बंदा है क्रिकेट की हिस्ट्री में, जिस बंदे के इतने फैंस। सचिन तेंदुलकर गए, विराट कोहली ने इंडिया की टीम को संभाल लिया, लेकिन विराट चला जाएगा, लोग कह रहे हैं शमन संभालेगा, ईशान किशन संभालेगा, ऋतुराज गायकवाड़, नहीं, विराट कोहली की रिप्लेसमेंट नहीं है, ना किसी माने ऐसा बेटा पैदा किया है जो विराट कोहली की रिप्लेसमेंट बन सके। देखिए वो बंदा ऐसा है, जिस वर्ल्ड कप में जिस सीरीज में खेला उसने रिकॉर्ड्स किए हैं, 82 सेंचुरीज उसके पास हो गई हैं, जस्ट 18 सेंचुरीज पीछे हैं, और अगर उसको मौका मिलता है 2-3 साल और, यकीन करें कि वो सचिन दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर, जिसे दुनिया मानती थी कि यार दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा, और सचिन खुश हो रहा है कि यार मैं हैप्पी हूँ कि मेरे से भी बड़ा कोई क्रिकेटर पैदा हो गया। एक जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप हारा था तब मेरी आंखों में आंसू आए थे, दूसरा तब आएंगे जब विराट कोहली क्रिकेट को खैरबाद कहेगा। जनरली बड़ा बहुत दुख होगा यार, देखिए मुझे अभी से गूजबम्स आना शुरू हो गए हैं। कोहली प्लीज़ यार, अगले 5-7 साल हो क्रिकेट खेलो, बूढ़ी होगी क्रिकेट खेलो, ट्रॉली भी बैठ जाना, रेड़ते हुए क्रिकेट खेली जाना, हम तुम्हें तब भी सपोर्ट करेंगे, तब भी कहेंगे भी विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन। यार हमारे तो दिल वो कहते हैं अभी से दग दग वो कहते हैं ना करना शुरू हो गया कि विराट कोहली के बगैर हम लोग क्रिकेट को यानी कि सोच भी नहीं सकते, तो विराट कोहली जब तक क्रिकेट के अंदर है तब तक हम तो क्रिकेट देखेंगे। आज विराट कोहली की ये स्टेटमेंट सारी क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनके लिए वो कहते हैं दिल दहलाने वाली है। हम चाहते हैं कि विराट कोहली जब तक खेल सकते हैं ये क्रिकेट खेले। मैं उनकी कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और वो थोड़े से ना मुझे इमोशनल भी नजर आए विराट कोहली कि यार मैं यानी कि वो रिटायरमेंट दे रहे, एक तरह MS धोनी है वो भी क्रिकेट को खैरबाद करने जा रहे हैं, 18 तारीख को उनका लास्ट मैच है CSK की तरफ से, उसके बाद उन्होंने भी कहता वो रिटायर हो जाएंगे, वो क्रिकेट में यानी कि नजर नहीं आएंगे, और अगर विराट कोहली जैसे क्रिकेट छोड़ेंगे उसके बाद वो भी कह रहे हैं कि मैं आपको नजर नहीं आऊँगा और मैं क्रिकेट को जब छोड़ूंगा तो अरूज पर छोड़ूंगा, मतलब कि मैं क्रिकेट की दुनिया के अंदर जब तक राज कर सकता हूँ तो यानी कि मैंने किया है और मैं कर रहा हूँ तब तक मैं करूंगा, जब मैं क्रिकेट छोड़ूंगा तो छोड़ दूंगा। देखिए विराट कोहली ने दुनिया की क्रिकेट की दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बनाए हैं, सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड कायम किया विराट कोहली ने किया, तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, विराट कोहली ने तोड़ा है, सेंचुरीज का रिकॉर्ड किसके पास है, विराट कोहली के पास है, इवन तो 50s का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास, इंडिया की क्रिकेट की जितनी भी हिस्ट्री है सबसे बड़ा जो नाम हुआ है वो विराट कोहली का हुआ, सारी फैन फॉलोइंग किसकी है, विराट कोहली की है। तो मैं तो कहूँगा विराट कोहली यार तुम क्रिकेट ना छोड़ना, तुम्हारी मेहरबानी, हम तुम्हारे बगैर क्रिकेट नहीं देख सकते, क्योंकि तुम क्रिकेट में हो तो हम क्रिकेट देखेंगे, इंडिया की टीम को सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा वो विराट कोहली की वजह से करते हैं, उसके बगैर तो हम लोग वो कहते हैं ना कि ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते क्रिकेट को। यार क्रिकेट विराट कोहली से शुरू होती है, विराट कोहली पे ही खत्म होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमाद, आप क्या कहना चाहेंगे, MS धोनी भी हमें IPL के बाद जो है नजर नहीं आएंगे, वो भी क्रिकेट को खैरबाद कह रहे हैं, और क्रिकेट की दुनिया में दूसरा बड़ा नाम विराट कोहली का, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? देखिए पहले तो हम MS धोनी वाले ट्रॉमा से बाहर नहीं आएगा जी, MS धोनी छोड़ के जा रहे हैं, हम पूरा साल वेट करते थे IPL आएगा हम MS धोनी को खेलते देखेंगे, MS धोनी ने न्यूज़ दी और उसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या हुआ जी, विराट कोहली ने बोल दिया कि मैं भी जा रहा हूँ, मतलब कि क्रिकेट फैंस, ये जो मैं हंस रहा हूँ या कोई भी क्रिकेट फैन हंस रहा है उसके पीछे का दर्द कोई महसूस नहीं कर पा रहा कि यार क्रिकेट का फेस क्रिकेट को छोड़ के जा रहा है, वो बंदा जिसने ओलंपिक्स में क्रिकेट आजाद करवा दी, वो बंदा जो रोनाल्डो और मेसी को जाके फुटबॉल में बीट कर रहा है कि जी ये बंदा क्रिकेट से उठ के आया, तो वो बंदा रिटायर होने जा रहा है, यकीन करें कि मैंने सुबह 7 बजे ये न्यूज़ पढ़ी है, और
इतना सैड मैं हूँ कि यार विराट को अभी क्या जरूरत थी। अभी तो भाई साहब विराट की इतनी ज्यादा फिटनेस है, ये 50 साल क्रिकेट खेल सकता है। अभी तो 36 का हुआ है टोटल। तो देखें यकीन करें विराट ने, ये बात विराट ने बड़ी जबरदस्त की है कि जब तक खेलूंगा ऐसे खेलूंगा जैसे किंग अपने किंगडम में खड़ा हुआ है। अब ये देखिए कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप, यानी जो विराट कोहली हैं, जो शेर हैं, वो हमें T20 वर्ल्ड कप में दहाड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं कोई रिग्रेट नहीं छोड़ूंगा। देखिए यकीन करें ये तमाम टीम के लिए बिगेस्ट थ्रेट है, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए जिसका वो पहले से वैरी बना हुआ है, हर मैच में हमें मारता है। ये टीम्स के लिए बिगेस्ट थ्रेट है कि यार मैंने आज तक भी वो गेम नहीं दिखाई जो मैं इस T20 वर्ल्ड कप में दिखाऊंगा। और देखें 2011 की टीम में ये था, इंडिया वर्ल्ड कप जीती। 2013 में ये टीम में था, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। उसके बाद इंडिया एशिया कप जीती विराट के होते हुए। इंडिया सिर्फ T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती विराट के होते हुए, और वो विराट कह रहा है मैं 2024 में इंडिया को जितवाऊंगा, और उसके बाद मैं T20 क्रिकेट को, खैर बात यार जो ज़्यादा सैड न्यूज़ है, मैं क्रिकेट से दूर चला जाऊंगा। यार आप रिटायर हो जाओ, चलो कम से कम कमेंट्री में नजर आ जाओ, किसी टीम की कोचिंग, पाकिस्तान की कोचिंग ले लो। हमें एक अच्छे कोच की जरूरत है, पाकिस्तान की कोचिंग ले लो। विराट कोहली को अगर पाकिस्तानी टीम का बैटिंग कोच बना दिया जाए ना, तो विराट कोहली आप पाकिस्तान की टीम को उस लेवल पे ले जाएगा जहां पर आप सो नहीं सकते। पाकिस्तान की बैटिंग जो हमेशा फ्लॉप होती है, ये विराट कोहली अगर उसके कोच बन गए पाकिस्तानी टीम के, तो आप विराट कोहली के होते हुए पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट की दुनिया के अंदर राज करता देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मार करता है हमेशा अपनी बैटिंग लाइन से। और विराट कोहली जब कोच करेगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, तो किस तरह आपको पाकिस्तानी बैट्समैन उनका जो वो कहते हैं ना निखर के आएंगे, वो आपको पाकिस्तानी बैट्समैन आपको दौड़ते नजर आएंगे जैसे विराट कोहली दौड़ता नजर आया। IPL के अंदर देखते हैं सबसे हाईएस्ट स्कोर 2024 के अंदर विराट कोहली के 664 या 65 अभी तक विराट कोहली के स्कोर हो चुके हैं IPL के अंदर। तो विराट कोहली तो परफॉर्मेंस पे जब देने आते हैं वो आपको परफॉर्मेंस ही देते नजर आते हैं। अभी देखें कि विराट कोहली यानी कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर आएंगे तो किस तरह दहाड़ेंगे। सारी टीमों के लिए खतरा तो सिर्फ विराट कोहली ही है, और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट भी विराट कोहली का, जैसे हमाद ने कहा। तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली क्रिकेट का फेस है, और क्रिकेट की दुनिया के ऊपर जो राज है वो सिर्फ विराट कोहली का है। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर विराट कोहली के बगैर इंडिया की क्रिकेट को, मैं समझता हूँ, उनके बगैर चल नहीं सकते। आप देख लें इंडिया की टीम से विराट कोहली क्रिकेट को, खैर बात कहते हैं, इंडिया की टीम की जो कैपेसिटी है, जो चेसिंग है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि विराट कोहली मुश्किल नहीं मैच करूंगा कामरान भाई आपको। डेफिनेट बात है कि इंडिया की टीम का फिर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, नो डाउट। सचिन तेंदुलकर गए, विराट कोहली ने इंडिया की टीम को संभाल लिया, लेकिन विराट चला जाएगा, लोग कह रहे हैं शमन संभाल लेगा, ईशान किशन संभाल लेगा, ऋतुराज गायकवाड़, नहीं, विराट कोहली की रिप्लेसमेंट नहीं है, ना किसी माने ऐसा बेटा पैदा किया है जो विराट कोहली की रिप्लेसमेंट बन सके। देखिए वो बंदा ऐसा है जिस वर्ल्ड कप में, जिस सीरीज में खेला है उसने रिकॉर्ड्स किए हैं, 82 सेंचुरीज उसके पास हो गई हैं, जस्ट 18 सेंचुरीज पीछे हैं। और अगर उसको मौका मिलता है 2-3 साल और, यकीन करें कि वो सचिन दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर, जिसे दुनिया मानती थी कि यार दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। और सचिन खुश हो रहा है कि यार मैं हैप्पी हूँ कि मेरे से भी बड़ा कोई क्रिकेटर पैदा हो गया। यकीन करें कि ये जो न्यूज़ है ना, ये क्रिकेट फैंस पे ऐसे बरसी है कि यकीन करें बर्दाश्त से बाहर चली गई है कि यार विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसको एडमायर करते रहे हैं हमारा चाइल्डहुड सारा। 2011 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा इंडिया से, हमें दुख हुआ कि पाकिस्तान हार गया, लेकिन उस दिन से हमने मैंने 2011 से विराट कोहली को देखना शुरू किया। फिर उसके बाद एक स्पेल इसका बुरा गया जब जुनेद खान ने इसके अलावा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद इसने पाकिस्तान से जो बदले लिए। 2015 वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ सेंचुरी की, 2019 में हमें मारा, 2022 में हारे सरफ को 2 छक्के मारे, एशिया कप में हमारे खिलाफ 100 की। तो मतलब ये इसने रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेज दी हैं, देखिए हमें इससे नाराज होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम खुश हो रहे हैं कि यार 2025 चैंपियन ट्रॉफी में आओ, लाहौर के स्टेडियम में आके हमारे खिलाफ सेंचुरी लगा के मैन ऑफ द मैच ले जाओ, लेकिन हमारे सामने खेलो। देखिए विराट कोहली वही प्लेयर है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 8 बॉलों के अंदर 28 स्कोर मारा था, ठीक है, ये है वो विराट कोहली, ठीक है। उसने हम पूरी क्रिकेट की पाकिस्तानी टीम को हिला के रख दिया था, 8 स्कोर के अंदर 28 स्कोर कौन मार सकता, सिर्फ विराट कोहली मार सकता है। और आज विराट कोहली कह रहा है कि मैंने रिटायर होना है, मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। अगर विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेंगे तो पाकिस्तानी टीम के लिए तो मोजे लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा लो जी चेस मास्टर जा रहा है, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए तो मोजे लग जाएंगे, लेकिन पूरी क्रिकेट की दुनिया के लिए सबसे बड़ा झटका होगा विराट कोहली जब क्रिकेट को खैरबाद कहेंगे। तो मैं कहूँगा विराट कोहली चाहे क्रिकेट को खैरबाद कह दे, लेकिन हमें स्टेडियम के अंदर किसी ना किसी जगह पर नजर आए, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आके खेले। हम सिर्फ एक ही ख्वाहिश करते हैं पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले और पूरे यहाँ पर आकर सेंचुरियां मारे, यहाँ पर आके वो स्कोर मारे, और यहाँ पर आके कोई विराट कोहली इंडिया की जब का जो यानी कि बुमराह है, सिराज है या शामी, कोई भी आके विकेट ले और विराट कोहली जैसे उछल के वो इंजॉय करता है इस चीज़ को, उस चीज़ को यहाँ पर भी आके इंजॉय करें। हम ये चीज़ चाहते हैं विराट कोहली क्रिकेट को खैरबाद ना कहे, बल्कि क्रिकेट के अंदर रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, कोई ना कोई ऐसी यानी कि चीज़ ले ले कि वो विराट कोहली ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे बैटिंग सिर्फ विराट कोहली कर सकता है, किंग कोहली बनाए कि अपने दम
पे बनाया, किंग कोहली को किसी ने नहीं बनाया, विराट कोहली ने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और अपनी एफर्ट से वो आज क्रिकेट की दुनिया का किंग बनाया। तो हम चाहते हैं कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता रहे और हम उसको देखते रहे और रिटायर। सर, विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब क्रिकेट से रिटायर होगा तो कोई रिटायर नहीं छोड़ूंगा और जब क्रिकेट छोड़ूंगा तो कुछ देर के लिए गायब हो जाऊंगा, क्या ये हम समझ लें कि रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं? यार देखें, डेफिनेटली जब से विराट ने यह स्टेटमेंट दी, मैंने आरसीबी के जाके वो पेज खोला है, मैंने जाके नीचे स्क्रॉलिंग शुरू कर दी कमेंट्स पढ़ने। यकीन करें कि विराट कोहली के नीचे कुछ 36 डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, इंडियंस रो रहे हैं, पाकिस्तानी रो रहे हैं। पाकिस्तानी को खुश होना चाहिए कि विराट जाएगा हम जीतेंगे, नहीं, हमें ज्यादा दुख हो रहा है, इंडियंस को दुख हो रहा है, सब तमाम दुनिया रो रही है कि यार वो बंदा जिसे देखने के लिए भाई साहब कतारें लग जाती थी, 1.5 लाख का स्टेडियम फुल हो जाता था कि विराट कोहली आ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में 90,000 करोड़ था, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ 92,000 करोड़ हो गया, रिकॉर्ड टूट गए थे और उस 92 के सामने विराट कोहली ने एक ऐसी शॉट मारी जिसे शॉट ऑफ द सेंचुरी बोल दिया गया। हार सिर्फ का करियर खत्म हो गया, उसके बाद हार सिर्फ हमें वो फॉर्म में नजर नहीं आया। मतलब कि जो विराट कोहली ने क्रिकेट में कर दिया किसी का बाप भी नहीं कर सकता। और एक बड़ी बात करता हूं, देखें कि जो विराट कोहली ने कर दिया वो विराट का बेटा के कोहली भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा भी बाप के बराबर कभी नहीं पहुंच सकता जो उसका बाप करके चला गया। नो डाउट किया कि शायद क्रिकेटर बन जाए, शायद बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाए, लेकिन विराट नहीं बन सकता, क्योंकि विराट को हमने अपनी जवानी में देखा है। विराट रिटायर, पहले माही हुआ रिटायर, फिर विराट हुआ, एविड विलियर्स हो गया, शायद फ्रीदी, ये सब रिटायर हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम बूढ़े हो गए हैं। वो पता नहीं हुए कि नहीं, क्योंकि इनको सब हमने जवानी में खेलते हुए देखा है, 2011 से हमने शुरू हुए क्रिकेट देखनी, देख रहे हैं इनको, अब सब रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड खत्म हो जाएंगे। आज से कोई 10-15 साल बाद हमारे बेटे आके कहेंगे कि अक्के ने सेंचुरी कर दी, अक्के कोहली खेल गया, हम कहेंगे ओ यार विराट कोहली का बेटा खेल गया, फिर शायद हम क्रिकेट देखें। लेकिन जब विराट कोहली क्रिकेट छोड़ेगा ना, फिर हम क्रिकेट छोड़ देंगे, फिर आप क्रिकेट छोड़ देंगे सारे, मैं क्या लाखों स्टेडियम छोड़ देंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर विराट कोहली जब क्रिकेट छोड़ेगा तो इसी तरह मैदान जो है वो लोग आएंगे देखने, इसी तरह हजूम होगा? मैं आपको वही बात कह रहा हूं, आप समझते हैं कि विराट चला जाएगा तो 1.5 लाख का स्टेडियम फुल हो जाएगा? सर नहीं, आपको विराट वाला कॉर्नर खाली मिलेगा, आपको नजर ही नहीं आएगी पब्लिक, 1.5 लाख में से 50,000 भी आ जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। इंडिया में नो डाउट क्राउड हर मैच में आता है, लेकिन जब विराट चला जाएगा ना, क्रेज खत्म हो जाएगा। अब देखें न्यूयॉर्क में 33 लाख की टिकट, सॉरी 60 लाख की टिकट प्रीमियम बिक रही है, और जब विराट कोहली नहीं होगा मैच में फिर भी आपको लगता है 60 की बिकेगी? भाई साहब ये 60 रुपए की कोई टिकट खरीद ले फिर क्या ना, ठीक है? जो क्राउड इंगेज होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, ये इंडिया के किसी भी मैच में, वो सबसे ज्यादा विराट कोहली का है। अब इंडिया की टीम जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर हल्के हैं, नहीं, सचिन गया, विराट ने टीम इंडिया को संभाल लिया, अब विराट जाएगा तो कौन संभालेगा? आप कह रहे हैं ईशान किशन संभालेगा, शुभमन गिल संभालेगा, गायकवाड़ संभालेगा, नहीं यार विराट का एक लेवल था, विराट एक ब्रांड था अपने आप में, जो लेगेसी विराट ने पीछे छोड़ दिया ना, ये कोई बंदा बीट नहीं कर सकता, जितने उसने रिकॉर्ड्स कर दिए। यार कौन सा ऐसा रिकॉर्ड जो उसके पास नहीं है? देखिए सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है, उसका रिकॉर्ड सेंचुरीज का तोड़ दिया, मोस्ट 50 मोस्ट सिक्सेस, हर चीज। अभी आईपीएल में देख लें, यंग बच्चे जो हैं उनसे आगे विराट निकला हुआ, 661 रन कर चुका है ये बंदा। तो मतलब कि विराट ने जो एक छाप बना दिया ना क्रिकेट पे, मैं नहीं समझता कि कोई और प्लेयर बना सकता। विराट ने जो कहा कि भाई मैं कोई रिग्रेट नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब समझ सकते हैं कि भाई आईपीएल 2024 जो है वो विराट कोहली की टाइटल जो है जीत रहा है? सर आईपीएल तो डेफिनेटली, आईपीएल तो देखिए वन लास्ट डांस होने वाला है, विराट वर्सेस एमएस धोनी, ये सबसे विराट की टाइम तो जब है तब है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा लम्हा है ना कि यार विराट धोनी छोड़ रहा है, धोनी जीतेगा धोनी तब छोड़ जाएगा, धोनी हारेगा धोनी तब छोड़ जाएगा। विराट और धोनी का दोबारा क्लैश देखने में मिलेगा, वो बिगेस्ट मैच जो होता था कल देखें 18 मई को आईपीएल के अंदर तहलका मचने वाला है कि आईपीएल का फाइनल से पहले एक फाइनल है। पब्लिक के मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं, हर चीज देख रहा हूं, वो कह रहे हैं फाइनल से पहले फाइनल है, इससे बड़ा मैच हिस्ट्री में नहीं होगा आईपीएल की। विराट कोहली अगर प्लेऑफ में आ गया ना तो विराट कोहली वर्ल्ड कप T20 आईपीएल जीत जाएगा, पर यकीन करें कि आईपीएल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन T20 वर्ल्ड कप विराट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि विराट के होते हुए टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। T20 2007 में जीता था, तब विराट टीम में नहीं था, ओडीआई इसके होते हुए जीत लिया चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, बाकी तमाम इवेंट्स जीत लिए, ये जो है ना T20 वर्ल्ड कप ये नहीं जीता। और विराट 2024 की T20 वर्ल्ड कप में जैसी फॉर्म लेके जा रहा है, यकीन करिए किसी को नहीं छोड़ेगा, ये सबको मारेगा। सबसे पहले नंबर लगेगा 9 जून वालों का, जिन्होंने बड़ा तहलका मचाया हुआ, किंग आमर वापस आ गया, शाहीन आ गया, सबसे पहले देखिए कोहली ने आपके नसीम को सामने छक्का मारा, हारिस को मारा, शाहीन को, तीनों प्राइम